शुक्रिया। मेंटेन किया हुआ है, सिक्योरिटी लेवल भी माशाल्लाह बेहतरीन है, ओवरऑल मजा आ गया। दुबई याद आ गया इसको देख के, तो दो साल में सब चीजें चल रही हैं प्रॉपर भाई, सब चीजें नुमाइश से बैठे, नागन जाएं, नागन से आगे जाएं, 4K जाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई हम लोग जा रहे थे नागन की तरफ, सख्त रश होने की वजह से हमने फैसला किया कि अब हम लोग मुजम्मिल भाई की बाइक पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे यहाँ से ग्रीन लाइन में। ग्रीन लाइन चलती है अंडरग्राउंड, यहाँ से चलती है और आगे जाके ब्रिज से कनेक्ट हो जाती है। तो आज हम इसका एक्सपीरियंस करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी राइड नाउ किराया कितना है और कितना वक्त लगता है हमें नागन जाने में। ये जा रहे हैं मुजम्मिल भाई, चलो भाई अब यहाँ से चेक करते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस से अंदर जाएंगे और अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि अभी कुछ बच गई या नहीं बची। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं नीचे चलते हुए और आज ग्रीन लाइन में जाएंगे। क्यों छोड़ दी आपने बाइक? ग्रीन लाइन में जाएंगे आज भाई, रश इतना था यहाँ पे, हो रहा था प्रोटेस्ट और आज संडे है, वो कह रहे हैं आखिरी नागन से जो बस आएगी ना वहाँ हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, बड़े कोई स्पेशल किस्म के। लेकिन रास्ते में हमें उतरना है हैदरी, हैदरी में एक भाई हैं वो बाइक का सौदा कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ी हमारी आज है कुछ डील, वो करेंगे। लेकिन आज सारा आपको दिखाएंगे ग्रीन लाइन का सफर। यहाँ से टिकट लेते हैं और टिकट लेके फिर आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया भाई, हमें मिली है कितने की टिकट? 55 रुपए की मिली है नागन तक की। 55 रुपए में कहीं भी जाएं, हैदराबाद चलें, 55 रुपए में हैदराबाद जाएंगे। भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कैमरा भाई अलाउ नहीं है, मैंने पूछा क्यों अलाउ नहीं है, तो उनको खुद नहीं पता क्यों नहीं अलाउ, कह रहे हम लोग अलाउ नहीं है। मैंने कहा आपको नहीं अलाउ भाई, मुझे तो अलाउ है भाई, मैं तो बनाऊंगा। हम तो देंगे भाई पब्लिक को इन्फॉर्मेशन। और हम अब जा रहे हैं यहाँ से 55 रुपए की टिकट लेके, बस आ गई हमारी भैया। चलो भाई अब हम जा रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 8:52 हैदरी जाना है हमें और अब हम यहाँ से बैठेंगे। चले भाई हम जा रहे हैं अब बस के अंदर, अपनी कुर्सी पकड़ते हैं कहीं पे, ये तो फीमेल नहीं है भैया, यहाँ बैठे यार। वैसे आपस की बात है, बस है साफ सुथरी भाई, हम बस में बैठ गए माशाल्लाह से, एयर कंडीशनर सारे प्रॉपर चल रहे हैं। 55 रुपए में हम अब यहाँ से निकल रहे हैं और इसका जो नेक्स्ट स्टॉप दिखा रही है वो है पटेल पाड़ा। कैमरे ऑन है, सफाई ऑन है, माशाल्लाह जबरदस्त माहौल भाई। तकरीबन हमें वहाँ से यहाँ पहुँचने में कितनी देर लगी? 15 से 20 मिनट लगे, और अगर हम अपनी गाड़ी पे आते तो हमें ज़्यादा टाइम लगता, 55 रुपए किराया लगे। अभी उतरेंगे हैदरी पे, वहाँ पे काम है वो करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें जी अपना स्टॉप आ गया, अपने स्टॉप पे उतरते हैं। दोबारा टिकट लगा दी हमने, हम निकल गए और अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। अब हम जाएंगे, ओहो ये भी चल रही है भाई, और वो सामने है हैदरी मार्केट, बस वहां जाएंगे, यहाँ से भी चढ़ते हैं जी इस पे। सब चीजें ग्रीन लाइन में चलने के बाद देखा था कम से कम कई साल हो गया, 2 साल भाई, 2 साल में सब चीजें चल रही हैं प्रॉपर भाई, सब चीजें देखो है। सुबह क्या होता है यहाँ? सुबह पैदल ही आना पड़ता है। हाँ अभी यहाँ जाए हम, चले दुआ में याद रखें, दुआ में याद रखें अपनी। आगे भाई सीधा हैदरी मार्केट, यहाँ से होगा आज एक बाइक का सौदा, फिर हम वापस जाएंगे उस स्टॉप पे और वहां से जाके बैठेंगे दोबारा बस में। ये देखें जी, ये है हैदरी मार्केट का बाजार, हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढते हुए जाते हैं अभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान? तबीयत ठीक है आप? एरिया से फिट पार्ट है। कब तक लगती है मार्केट? मार्केट बाबा ये रात के जो है ना 1 बजे तक है। 1 बजे तक सब? कितनी कितनी बाइकें आती हैं रोज? रोज के हिसाब से मेरे कम से कम जो है ना तो 20-30 हजार बाइकें आ जाती हैं। दिहाड़ी बन जाती है हफ्ते में? बस दिहाड़ी तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए लाइन से 1-5 खड़ी,
होंडा होंडा बिल्कुल सोच रहा हूँ कि ये 70 के पैसे पूछूं जरा मैं भाई जी, 70 के पैसे पूछो जरा कितने की 70, किसी की पूछ लो, बिल्कुल नहीं की मत पूछना, ये इनके पूछो। बासठ हजार नहीं, और पूछो भाई। अच्छा भाई ये बाइक है, कौन सा मॉडल है भाई? ये 2015 मॉडल है। अच्छा ये वही भाई है जिन्होंने दाल चावल का स्टॉल लगाया था, क्या नाम है? असद नाम। असद भाई क्या है, चल रहे दाल चावल? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है आपकी वीडियो से और मजीद अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अच्छा, वो आ जाएगा जी। ये कौन है? ये छोटे भाई है मेरे, पाप नाम है। ये वहाँ तो नहीं थे उस दिन दाल चावल में? ये पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं तो स्कूल जाते हैं, ये होते नहीं है। अच्छा भाई ये बाइक है जो ये भाई ने पसंद की है तो ये खरीद रहे, कितने में ले रहे हैं भाई? ये वैसे तो 50 बोले थे इसके, 50 बोले थे जी, 44 में इन्होंने फाइनल दिए। ये हमजा भाई है, ऑनर है इसके। अच्छा। इन्होंने मुझे सेल भेजी। सही हो गया, चेक करें ना, स्टार्ट तो करें, आवाज तो सुनाए जरा बाइक की। पेट्रोल खोल लो, पेट्रोल बंद है वो कह रहे हैं। इंजन वंजन ओके भाई? माशाल्लाह से इस बाइक का सौदा हो गया है 44,000 में। सही है भाई, माशाल्लाह मुबारक हो आपको बहुत। अब बाइक पे जाओगे घर? चलो तुम अब बाइक पे यहाँ जाओ, हम ग्रीन लाइन में आगे जाएंगे। सही है भाई, चलो फिर अल्लाह हाफिज। भाई हमने दोबारा से टिकट ली है, 55 रुपये टिकट है। आप एंड टू एंड जाएं, मतलब नुमाइश से बैठे नागन जाएं, नागन से आगे जाएं, 4K जाएं, हाँ, और फिर दोबारा बैठे वहाँ उतर के दोबारा टिकट लेनी है। लेकिन भाई निज़ाम बेहतरीन है, मज़ा आया भाई। अभी फिर से 55 रुपये का टिकट लिया है हमने एक बंदे का, हैदरी से नागन तक का। आओ फिर मेरे नाल चलो। चलो अब हम दोबारा से बैठेंगे बस में, और दोबारा बस में बैठ गए नागन, नागन पे जाके हमारा सफर ख़त्म। भाई यहाँ पे बैठने का जो सिस्टम है ना वो भी बड़ा बेहतरीन है। मैं मुझे तवक्को नहीं थी कि इतने टाइम बाद जो है ये सब चीज़ें इतनी साफ सुथरी रहेंगी, किराया भी मुनासिब है, 55 रुपये में आप नुमाइश से बैठें। अच्छा हम लोग पहले सोचा गाड़ी पे आए, फिर हमने कहा नहीं यार बाइक पे जाते हैं, फिर हमने कहा नहीं यार ना बाइक पे जाते ना गाड़ी पे जाते हैं, आज रश को अवॉइड कर देते हैं, आज हम लोग आते हैं बस पे। एक तो बस चेक भी हो जाएगी कि बस कैसी चल रही है, सफाई है, निज़ाम कैसा चल रहा है, सिक्योरिटी का निज़ाम कैसा है, किराया कितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है, किराया भी 55 रुपये है, सफाई भी बहुत अच्छी है, मेंटेन किया हुआ है, सिक्योरिटी लेवल भी माशाल्लाह बेहतरीन है, ओवरऑल मज़ा आ गया। वेट कर रहे हैं मतलब हम आए और हम यहाँ से बैठे। चलो भाई अब दोबारा हम बैठ रहे हैं, लेकिन अब की बार जो है ना रश मिलेगा मुझे लग रहा है, और रश है भैया, रश है। कितनी देर रुकती है? 10:45 हम चल रहे हैं, और बस ये मेरे ख्याल से एंड की बस है, इसके बाद ख़त्म है। ये हैदरी मार्केट वाले स्टॉप का बैठ गए, मेरे ख्याल से टोटली कोई 1 मिनट के लिए रुकती है बस, 1 मिनट के बाद जो है ना फिर ये चल पड़ती है। 5 स्टार चौरंगी दुबई याद आ गया इसको देख के, तो दुबई में आता भाई। इस तरह हमारा ये नागन तक का सफर पूरा हुआ। बस जो है भाई संडे को तो आज चली है 9:45 तक, 10 बजे से पहले पहले आपने जब आना है तो भाई आ जाए, 10 के बाद का नहीं पता। हमें भाई अगर साइड से आ जाए। अच्छा टिकट जो आपके पास होंगी वो अपने पास रखनी है, वरना वो टिकट के बगैर, अगर किसी की टिकट गुम गई तो फिर क्या करेंगे भाई? टिकट गुम गई तो भाई कुछ समझ नहीं आया, कुछ बोला भाई ने कुछ समझ नहीं आया, मैं कहा टिकट गुम गई, भाई ने कुछ बोला मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। तो भाई ये थी हमारी ग्रीन लाइन की वीडियो, जिसके अंदर आपको ग्रीन लाइन के बारे में सारी अपडेट दी, और नुमाइश से नागन तक हमने सफर किया इसके अंदर। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए कैमरामैन लग रहा है दीवारों के साथ, टकरे लग रही है कैमरामैन की, और मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द वजन कम हो जाए। 30 किलो नहीं, 33 किलो का टारगेट है मेरा, 33। मुस्तफा भाई, मिश्कात भाई, दोनों को ऐसे उड़ा देना है, मैंने दोनों बोलेंगे भाव ने क्या किया, आप वजन कम की नहीं हुआ अभी तक आपका। तो बस ग्रीन लाइन का भाई ये सफर अच्छा रहे,
अच्छा है, बहुत बेहतरीन है भाई। मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है कि आप सफर करें, बजाय आपने बाइक पे आना है या गाड़ी पे आना है। इस वजह पे एंड करते हैं, आपका ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।